प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे दादाजी कहा करते हैं कि ज़्यादा चालाक आदमी को तीन जगहों पर ठेस लगता है, तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट लाइक कर दो दोस्तों, और स्टार्ट कर देते हैं हम भी तुरंत। हर के सबसे चोमू एक बाबा है जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, चालाक और होशियार समझते हैं। तो देखते हैं इनका कमांड कैसे टूटता है इस पिटरों में। महात्मा जी नमस्कार। आयुष्मान बाबा बच्चा, कैसे हो तुम? किस काम के लिए आया हो? मैं तो ठीक हूँ। सुनने में आया कि शहर का सबसे बड़ा विद्वान आदमी आप ही हो। अरे वो तो सबको पता है कि ये पूरे शहर में हमारे जैसा बुद्धिजीवी आदमी, विद्वान आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक यहाँ का गवर्नमेंट भी कोई चीज, कोई काम के सलाह के लिए एक बार हमसे संपर्क जरूर करता है। एक काम करते हैं, चलो थोड़ा बाहर का हवा पानी लेते हैं। देखो बच्चा, ये जितना भी शहर सब है सब जंगल था पहले, लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया है सब बिल्डिंग बन गया है। ये सब हमारे दिमाग से ही बना था, क्या बताएं? अरे क्या लग गया, अरे क्या लग गया बच्चा, रुको थोड़ा इसको मैं चेक करता हूँ। ये लगता है क्या है चीज है, अरे थोड़ा इसको तो ये महात्मा जी तो पहला अपना पैर में लैटरिंग लगा लिए हैं, और इनको पता ही नहीं चला कि मेरे पैर में लैटरिंग लगा हुआ है, और पैर का लैटरिंग हाथ में लगा लिया, हाथ का लैटरिंग नाक में लगा लिए। इसीलिए हमारे दादाजी कहते हैं कि ज़्यादा होशियार लोगों को, चालाक लोगों को तीन जगहों पर ठेस लगता है, उसके बाद अकल ठिकाने पर आती है। तो दोस्तों मैं एम करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो फटाफट मैम मेरे दादाजी के नाम पे कम से कम 200 लाइक मारो और 100 सब्सक्राइब करो। इसके लिए आप लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय।